नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह भी आप सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हर वीक में कहता आया हूँ कि जो समय निकल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के वो सबसे अच्छा समय है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, नथिंग टू वरी अबाउट देम। इस वीक से हमने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तक हम वीक का एनालिसिस बताते थे डिफरेंट राशि के जातकों के बारे में। इस वीक से हम इवन क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इस राशि के डिफरेंट राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। शुभ रत्न है पुखराज। शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं हैं, इसलिए वित्तीय मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा महसूस होगा, उन्नति भी होनी संभव है। व्यवसायिक क्षेत्र में अत्यधिक गंभीर रहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपकी जॉब सही से चलती रहे तो आपको थोड़ा सा गंभीर अपने जॉब के प्रति रहना होगा। इस सप्ताह यदि कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। समय छात्रों के अनुकूल है। पति पत्नी के बीच में समय संबंध मधुर रहेंगे, आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। किसी मेहमान के आने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह पूर्ण तरीके से ठीक रहेगा। तो इस सप्ताह इस राशि के जातक अपने सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार की कथा करना, मीठे पे फास्ट रखना, एक टाइम गुड़ चने की दाल और केले बृहस्पति भगवान या केले के पेड़ पे चढ़ाना और हाथी को केले खिलाना, 3 या 12 केले खिलाना इस राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। पीले कलर पे बृहस्पतिवार के दिन फोकस करना ये भी इस राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभकारी रहेगा। आप बुधवार को छोड़ के बाकी सभी दिन येलो कलर के टीका लगा के अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको सफलता मिलने की और लोगों से मान सम्मान मिलने की या कोई रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने में भी आपको सहायता मिलेगी। मैं महागुरु गौरव मित्तल। आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए अच्छा शुभकारी रहे इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।